हाय दोस्तों, वेलकम टू आर बी फ्रेंड। मैं आपको एक आज एक ऐसी सेटिंग बताने जा रहा हूँ, अगर आप उस सेटिंग से वीडियो अपलोड करोगे तो वीवो की बरसात हो जाएगी। देखो, अभी मैं यूट्यूब पे जा रहा हूँ और यूट्यूब पे जाके प्लस का निशान दबा दिया, उसके बाद आपको वीडियो अपलोड में जाना है। अब जाके मैं वीडियो सेलेक्ट करता हूँ। देखो, मैं अपने बच्चों ने एक वीडियो बनाई थी डॉक्टर डॉक्टर खेलते हुए, उस वीडियो को मैंने सेलेक्ट कर लिया है और यूट्यूब पे अपलोड के लिए ले लिया है। अब इसके ऊपर मैं साउंड लगा रहा हूँ, जो बच्चों ने डॉक्टर वाला खेला है उसके ऊपर वो डॉक्टर अंकल वाला सॉन्ग लगा रहा हूँ। अब मैंने उसको सेलेक्ट कर दिया है, साथ के साथ इसमें ये एडजस्ट का बटन होता है, अगर हमें किसी भी सॉन्ग को आगे पीछे करना हो तो हमें इसके साथ एडजस्ट करके उसको आगे पीछे करके हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है उसके अनुसार हम साउंड को उसके साथ अटैच कर सकते हैं। अब उसको अपलोड कर दिया है और टाइटल लिख रहा हूँ मैं। टाइटल मैंने जो सॉन्ग लगाया है मैंने उसके अनुसार टाइटल लिख दिया है, डॉक्टर अंकल सुई ना लगाना, मैंने सेम टाइटल डाल दिया है। और अब आप अपलोड करने से पहले नीचे सेलेक्ट ऑडिशन, इसको ओके करो और इसको ओपन करके इस पर आपने सेलेक्ट करना है कि भाई ये वीडियो बच्चों ने ही बनाई है, ठीक है, उसको आपने नो करना है। उसके बाद हमने वीडियो को अपलोड कर दिया है, अब अपलोडिंग चल पड़ी है। देखो, वीडियो की अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है। अब मैं वाइट स्टूडियो में जाके देखता हूँ कि वीडियो हमारी अपलोड हो गई है, वहाँ पे आ गई है या नहीं आई है। अभी हमारी वीडियो अपलोड नहीं हुई है, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। रिफ्रेश करके मैंने चेक किया कि वीडियो अभी अपलोड नहीं हुई है। मैं वापस से दोबारा से यूट्यूब में आ गया हूँ और यूट्यूब में आके उसको ओपन करके चेक कर रहा हूँ कि वो अपलोड हुई है या नहीं है। लाइब्रेरी में जाके मैंने उसको ओपन कर लिया। वीडियो अपलोड हो गई है और 26 सेकेंड हो गई है। मैं वाइट स्टूडियो में दोबारा जाके चेक करता हूँ कि वहाँ पे अपलोड होके पहुँच गई या नहीं। मेरे 333 सब्सक्राइब हो चुके हैं। अब यहाँ जाके चेक किया, 41 सेकेंड हो गई, वीडियो अपलोड हो गई है। अब वाइट स्टूडियो में आके जब हम सेटिंग करते हैं, यहाँ पे पहले से निशान, उसको हमने ओके किया, उसके बाद टाइटल। अगर हमने टाइटल में कोई चेंजिंग करनी है ना तो हम यहाँ आके उसको चेंज भी कर सकते हैं टाइटल को। जैसे मैं अभी इसमें कुछ एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, ये जो था सॉन्ग के अनुसार मैंने टाइटल में पहले डाल दिया था, अब मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिखना था मैं इसमें लिख सकता हूँ। तो मैंने इसमें हैशटैग लगा के इस पर लिख दिया है शॉर्ट, फिर हैशटैग लगा के शॉर्ट वीडियो, ठीक है। मैं अभी ये लिख रहा हूँ शॉर्ट्स, हैशटैग लगा के शॉर्ट्स वीडियो। अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट करके पूरे को कंप्लीट सिलेक्ट कर लिया है। अब मैंने इसी को कॉपी कर लिया है, अब मैं डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। इसके बाद आप यहाँ पे हैशटैग लगा के कोई भी आपने देना है भाई, बेस्ट डॉक्टर या बेस्ट ट्रीटमेंट, इस टाइप के आपने जो हैशटैग लगाने वो आप लगा सकते हो। अब मैंने इसको यहाँ से अपलोड कर दिया है और अपलोड होने के बाद देखो मेरे सिर्फ 22 ही मिनट हुए थे और 1800 के करीब मेरे व्यूअर हो गए थे और मेरे 4 सब्सक्राइब बढ़ गए थे। उसके बाद मैंने थोड़ी देर के बाद सर्च किया, देखो 19.1 हो गए हैं, मतलब 100 व्यक्तियों ने और इसको देख लिया है और 27 लाइक्स हो चुके हैं और 4 सब्सक्राइबर मेरे इसमें बढ़े हैं। और मैं आपको अभी इस वाइट स्टूडियो में आगे जाके अभी इस वीडियो को ओपन करके दिखाता हूँ, ये जो वीडियो है ना, अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ वाइट स्टूडियो में जाके, एनालाइज में चला गया हूँ, आ जाके मैंने इसको ओपन कर लिया। अब देखो यहाँ पे आ गया, इसको सर्च कर रहा हूँ, देखो 2152 हो गए हैं। अभी दोबारा फिर सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे आ गया हूँ मैं, अभी 2040 हो गए हैं। अभी यहाँ पे आके अभी सर्च करता हूँ, अभी तो मैं वो 2000 उसके हुए थे, ये टोटल 48 घंटे के हो गए, 1192। अभी देखो सर्च किया मैंने, अगर इस ट्रिक से आप भी वीडियो अपलोड करोगे तो आपके चैनल पे भी वीवो की बरसात हो जाएगी। और दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और मैं आने वाली वीडियो में ना आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आप अपनी वीडियो को खुद तो ग्रो कर सकते हो और खुद ही पब्लिश कर सकते हो,
कई बार हमारी वीडियो अपलोड होने के बाद उसके ऊपर व्यू आने बंद हो जाते हैं, तो उन वीडियो को हम कैसे ग्रो करें और उनको हम अपने आप कैसे पब्लिश कर सकते हैं आने वाली वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा। प्लीज़ दोस्तों मेरी इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसके उतना लाइक करो, मेरे मनोबल को बढ़ाओ ताकि मैं भी अपने सब्सक्राइबर और व्यूवरों को इंक्रीज कर सकूं। प्लीज़ दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप मेरे मनोबल को बढ़ाओ ताकि जो नॉलेज मुझे है वो मैं आपको बता सकूं। तो दोस्तों जब आप मेरा मनोबल बढ़ाओगे तो वैसे वैसे मैं भी आप लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए जो नॉलेज मुझे है वो पूरी नॉलेज आपको दूंगा। तो प्लीज़ दोस्तों मेरा साथ दो।